रीट लेवल 2। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आजकल आजकल चल रहा है। हो सकता है आज शाम को ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए या एक दो दिन का टाइम लग सकता है। देखिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब जो YouTube पे माहौल चल रहा है वो ये चल रहा है कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी, ये हो जाएगा, और बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको सबको एक चीज़ पहले कह देना चाहता हूँ, क्या होता है, सब अपना अनुमान लगाते हैं ना, तो उसको ना पैनिक मत लीजिए, है ना। आप है ना उस चीज़ को ऐसे मत लीजिए कि नहीं ये हो ही जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, लेवल 1 का देखिए, लेवल 1 का बिल्कुल सटीक जो मेरा मैंने अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सटीक अनुमान है। जैसा कि मैंने आपको वीडियोस बना के दिखा भी दिया, आप लोगों ने देख लिया होगा, जो 1 गुना जाएगी वो लगभग जो मैंने बता दी थी उसके आसपास ही जाने वाली है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो इन रिजल्ट्स में रहेगी वो देखिए डिलीट कितने क्वेश्चंस होते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हम बात करेंगे अभी SST की कट ऑफ क्या रह सकती है सभी सब्जेक्ट वाइज। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों का बहुत सारा प्यार आया था, और उसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता है कि SST सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो इतना इजी नहीं था जितना कि लोग दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। देखिए, जिन्होंने पेपर दिया उनको एक्चुअल चीज़ पता है कि जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे लेवल के आए थे। ठीक है, GK में मानता हूँ थोड़ा सा मीडियम साइज का था, लेकिन ज्योग्राफी इकोनॉमिक बहुत अच्छे लेवल की थी। और इसमें देखिए टीचिंग मेथड, ये जो टीचिंग मेथड है इसके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें भी रोल प्ले करेंगे कि टीचिंग मेथड्स के कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं। अभी आप देखिए 2 गुना लिस्ट जो फर्स्ट ग्रेड की आई, जो अनुमान मैंने दिया था आप, मैं फिर वही कहता हूँ, आप जा करके वीडियोस देखिए तब आपको शायद पता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जो बहुत बड़ा दिखावा करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, तो आप लोग वहाँ जा करके लाइक और सब्सक्राइब भी खूब करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप कंजूसी कर देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा प्रयास ये है कि आप तक सही चीज़ पहुँचाई जाए। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अभी भी इस चैनल पर बहुत सारा मटेरियल है अगर आप पढ़ना चाहें तो। देखिए क्या है, हम बात करते हैं डिलीट क्वेश्चंस की, पर वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जो डिलीट क्वेश्चंस है उनका रोल क्यों बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी लेवल 1 में लगभग 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूंगा। आप देखिएगा कि जब डिलीट क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होता है। मैंने 4-5 अलग अलग कंडीशंस बता रखी हैं। देखिए, जिन्होंने नेगेटिव क्वेश्चन किया है, समझ रहे हैं आप, जिन्होंने नेगेटिव क्वेश्चन किया और उन नेगेटिव क्वेश्चन में से अगर डिलीट हो गया तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। नेगेटिव में से अगर डिलीट होता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जिन्होंने राइट क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल सही क्वेश्चन थे, और अगर उसमें से डिलीट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता है। तो ये सबके अनुमान हैं, इस पर आप लोगों को ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है और आपको पता है कि सच्चाई क्या है। और जहाँ तक बात है देखिए एग्जामिनेशंस की और जो चीज़ें हो रही हैं, या आप सबको भी पता है कि अभी जो सेकंड ग्रेड में जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद आप हर एग्ज़ाम को एक्यूरेट बता दें ऐसा नहीं चलता। आप सब जानते हैं कि किस लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जो रियल मेहनत करने वाले बच्चे हैं और जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी SST की, तो देखिए ये कट ऑफ है जो मैंने पहले भी बताई थी, आज भी मैं उसी पे कायम हूँ। अच्छा, ये जो कट ऑफ है, सबसे पहले हम नॉन TSP की बात कर लें। पहले देखिए एक बार सीट्स का भी देख लेते थोड़ा सा। लगभग नॉन TSP में 4712 सीटें हैं, जिसमें टोटल 4712 सीटें हैं, जिसमें नॉन TSP की 4000 सीटें हैं और TSP में 712 सीटें हैं। ठीक है, अब इसमें से नॉन TSP की कट ऑफ जो है, देखिए मैंने जनरल की दी थी, मेल की 93 और फीमेल की 92, ये 2 गुना लिस्ट है, लेकिन आपके 1 गुना लिस्ट पर कितना इफेक्ट आएगा वो डिपेंड करेगा इसके आने के बाद। अभी जो 2 गुना की लिस्ट आएगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा अनुमान है ये जो 2 गुना लिस्ट आने वाली है, 2 गुनी लिस्ट आने वाली है, उसमें लगभग ये आपके जाने की संभावनाएं हैं पूरी पूरी। और जो 1 गुना कट ऑफ जाएगी, आप उसमें भी देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने अभी बोला जो डिलीट क्वेश्चन है उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, तो इसको आप लोग फाइनल कट ऑफ मत मानिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर डिलीट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है ये कि 85-86 के आसपास आपके नॉन TSP में 2 गुनी लिस्ट जाए और फाइनल कट ऑफ यहाँ तक भी पहुँच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप देखिए वो PTI की में लगभग 1600 कुछ सीटें खाली रह गई हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये मेरी कट ऑफ है,
और मैं फिर कह रहा हूँ पीछे जाके आप देखिए बिल्कुल सटीक अनुमान बैठे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे इसका हो, हो जाता है कई बार देखिए ऊपर नीचे हो सकते हैं दो पांच क्वेश्चंस का, लेकिन इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। तो जनरल की 93 मेल में प्लस सेफ स्कोर में, फीमेल की 92 प्लस, ओबीसी 92 प्लस फीमेल में 92 प्लस के, मतलब इनका लगभग सेम ही रहने वाला है। एमबीसी कैटेगरी 91 92 प्लस के आसपास और 90 प्लस फीमेल में, एससी कैटेगरी वही 85 प्लस और 83 फीमेल में, और एसटी कैटेगरी में 78 प्लस मेल के लिए और 75 फीमेल के लिए। अदर कैटेगरीज जो हैं जैसे विडो कैटेगरीज हैं, तो उन लोगों को मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, अगर आपने जितने प्लस क्वेश्चन किए हैं, इवन अगर आपने 30-40 क्वेश्चंस भी किए हैं प्लस में, तो आपके चांसेस हैं, क्योंकि देखिए इस कैटेगरीज में कंपटीशन बहुत कम है और यहाँ पर 35% या 40% का रूल नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। बस नेगेटिव क्वेश्चंस में कि जितने कम किए होंगे आपने, आपके उतने अच्छे चांसेस हैं। टीएसपी एरिया में देखिए 75 प्लस क्वेश्चन जिन्होंने अटैम्प्ट किया है, उनके लिए मैं बहुत अच्छे चांसेस मानता हूँ कि उनके बहुत अच्छा मौका उनके पास कंपटीशन में आने के लिए। तो ये मेरा एक अनुमान है दोगुने लिस्ट के लिए, और मैं फिर कह रहा हूँ ये दोगुने लिस्ट जो है ये हो सकती है कि इसमें आपको दो चार क्वेश्चन और कम मिल जाएं, क्योंकि देखिए जो डिलीट क्वेश्चन होंगे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, और जो टीचिंग मेथड है इसमें से बहुत से क्वेश्चंस डिलीट होने वाले हैं। तो आप लोग अपना देखिए अपने मेहनत की है ना, तो आपको अपने मेहनत पे विश्वास रखना है। सबसे बड़ी चीज़ आजकल मतलब एक दो दिन जिस हिसाब से चल रहा है ये आने वाला है रिजल्ट, तो और चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। तो आने के बाद जैसे रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट के आने के बाद हम एक गुना लिस्ट पर भी डिस्कस जरूर करेंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान से बस यही प्रार्थना है कि जिन्होंने सही में मेहनत की है उनका सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि क्या है अगर एक मेहनत करने वाला बच्चा अगर लगेगा ना, तो रियली में हमारे स्कूलों की हमारे समाज की बहुत ज़्यादा जो व्यवस्थाएं हैं उनमें बदलाव आएगा। और उन स्कूलों में जब ये आप पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं, तो लिटरली बात है कि वहाँ पर जाकर के आप लोग कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा करने वाले हैं। चलिए आप सभी के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाओं के साथ हम और भी वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।